दोस्तों, साल 2020 बॉलीवुड को लगातार एक के बाद एक झटके दे रहा है। हाल ही में बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको चौंका दिया था। अब इसके बाद मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान के निधन से पूरा बॉलीवुड शॉक्ड है। दोस्तों, बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान को सांस लेने में आई शिकायत के बाद उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां शुक्रवार देर रात करीब 1:52 पर कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मौत हो गई। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरोज खान का मुंबई के चारकोप कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार किया जाएगा। दोस्तों, सरोज खान ने निधन से पहले एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर शोक व्यक्त किया था। उन्होंने अपनी आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट में सुशांत को याद करते हुए एक इमोशनल पोस्ट शेयर की थी। दोस्तों, सरोज खान ने आखिरी बार साल 2019 में आई फिल्म कलंक के तबाह हो गया गाने को कोरियोग्राफ किया था, जिसमें माधुरी दीक्षित और आलिया भट्ट दोनों ने काम किया था। उन्हें 3 बार बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। दोस्तों, सरोज खान ने कुछ फिल्मों में बतौर राइटर भी काम किया है। 4 दशक से अधिक के कैरियर में सरोज खान को 2000 से अधिक गीतों को कोरियोग्राफ करने का श्रेय जाता है। 22 नवंबर 1948 को जन्मी सरोज खान बॉलीवुड में ऐसा नाम है जिसे हर कोई जानता है। दोस्तों, बाकी ये घटना हम सबको चौंकाने वाली है। आगे और ताजा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल शानदार खबर को सब्सक्राइब करें।